हेलो दोस्तों, वर्ल्ड फुल ऑफ मिस्टीरियस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा देश किस्से कहानियों का देश है। हर काल और युग सैकड़ों पौराणिक कहानियां हमने अपने बुजुर्गों से सुना है। कुछ रहस्यमय कहानियां आज भी हमारे जहन में जिंदा हैं। आज हम बात करेंगे भारत देश से जुड़ी अनसुलझे रहस्यों की, वो हैरान कर देने वाली कहानियाँ जिन्हें सुनकर शायद आपको विश्वास ना हो। नंदी का बढ़ता आकार। देश भर में भगवान शिव के कई विश्वसनीय मंदिर मौजूद हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के कंदूर में मौजूद यांगती मंदिर उनमें बेहद खास है। वहां ऐसी कहानी प्रचलित है, वहां मौजूद पत्थर के नंदी बैल का आकार साल दर साल अपने आप बढ़ता जा रहा है। इसके दौरान मंदिर परिषद को वहां मौजूद एक खम्भे को हटाना पड़ा। वहाँ रहने वाले लोगों के मुताबिक पहले वो नंदी बैल की परिक्रमा किया करते थे, लेकिन बढ़ते आकार के कारण अब वो संभव नहीं है। हम्पी के संगीतमय खम्भे। हम्पी में भगवान विष्णु के अवतार विट्ठल जी का विशाल एक मंदिर है। 56 खम्भों वाला यह मंदिर पुरातन काल की एक शिल्प कला का एक जीता जागता नमूना है। इसकी खूबसूरती से अलग एक जादुई बात इस मंदिर को और खास बनाती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मौजूद 56 खम्भों पर अगर हल्की चोट की जाए तो संगीत की स्वाद ध्वनियाँ निकलती हैं। इसके चलते इन्हें सारे गामा पिलर्स भी कहा जाता है। गुलाबी भारत में जब अंग्रेजों को ये बात पता चली तो ये रहस्य जानने के लिए उन्होंने 2 खम्भों को काट कर देखा, लेकिन यह सिर्फ अंदर से खोखले दिखाई दिए। आज भी इन दोनों कटे हुए खम्भों को देखा जा सकता है। मंदिर का 7वां दरवाजा। केरला में स्थित प्राचीन मंदिर अनंत पद्मनाथ स्वामी को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। वहां एक रहस्यमय बड़ा दरवाजा मौजूद है और ऐसी महानता है कि सिद्ध साधु ही गरुड़ मंत्रों के जरिए इसको खोल सकता है। आखिर इस दरवाजे के पीछे क्या है, किसी को मालूम नहीं। कुछ लोगों के मुताबिक दरवाजे के पीछे से अरब सागर की आवाज़ सुनाई देती है, जबकि कई लोगों का मानना है कि उस दरवाजे के पीछे बहुत सारा प्राचीन सोना है, जिसकी रक्षा वहाँ मौजूद एक विशालकाय सांप करता है। शिव भक्त कोबरा। तमिलनाडु के एक गांव में स्थित शिव मंदिर में एक ऐसा करिश्मा देखने को मिला जिसने सभी को चौंका दिया। साल 2010 में रोजाना की आरती के दौरान मंदिर में मौजूद पुजारी ने देखा कि एक कोबरा अपने मुंह से पेड़ की पत्ती तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ा रहा है। ऐसा उसने लगातार 2 से 3 बार किया और इसके बाद यह किस्सा आम लोगों के बीच बेहद चर्चित हो गया। ना काटने वाला बिच्छू। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में 13वीं सदी के सूफी संत सैयद हुसैन सरफुद्दीन शाह विलायक नकदी की मजार मौजूद है। माना जाता है कि वो उत्तर भारत के पहले उर्दू कवि थे। उनकी मज़ार के पास कई जहरीले बिच्छू मौजूद रहते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक आने वाले किसी भी अनुयायी या भक्त को नुकसान नहीं पहुंचाया। श्रद्धालुओं को एक निश्चित समय के लिए उन बिच्छुओं को घर ले जाने की इजाज़त है, लेकिन तय समय के बाद उन्हें वापस मज़ार पर नहीं छोड़ा जाता है तो वो इंसान पर हमला कर देते हैं। करिश्माई पत्थर। पुणे में हजरत कमर अली दरवेश की एक काफ़ी चर्चित दरगाह है। हजारों श्रद्धालु अपनी मन्नतों के लिए वहां सदके के लिए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि वहां एक करिश्माई पत्थर है जिसे एक बार में सिर्फ 11 लोग अपनी एक उंगली से उठा सकते हैं। अगर 11 से ज़्यादा या कम लोग ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो पत्थर नहीं उठता। हैरान कर देने वाली बात यह है कि 90 किलो का यह पत्थर जब 11 लोग उठाने की कोशिश करते हैं तो उस पत्थर के वजन का एहसास बिल्कुल नहीं होता। ऐसा करते हुए श्रद्धालु एक स्वर में हजरत कमर अली दरवेश का नाम लेते हैं। रोजाना सैकड़ों लोग इसको आजमाते हैं। इसके अलावा वहाँ एक ऐसी लैंप मौजूद है जो सालों से 24 घंटे जल रही है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आशा करते हैं आपको हमारे ऐसे और वीडियो पसंद आएंगे। आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं।